दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ अंतिम ओवर में दूसरा वनडे मुकाबला भी हारा भारत तो गुस्से में आग बबूला हुए महेंद्र सिंह धोनी ने बताए हार के 5 बड़े कारण, लगाई सभी को फटकार, सब आपको वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान कप्तान मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और आज की वीडियो का लाइक टारगेट है मात्र 300 लाइक्स का, तो वीडियो को जरूर लाइक करना। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का अब दूसरा वनडे मुकाबला भी बांग्लादेश की टीम ने अपने नाम कर 2-0 से सीरीज में अजय बढ़त हासिल कर लिया है। और दोस्तों हम आपको बता दें इस दूसरे वनडे मुकाबले में जो कि शेरे बांग्ला स्टेडियम पर खेला गया, लिटन दास ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, जहां बांग्लादेश की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 271 रन बनाए थे, जहां महमदुल्ला ने अकेले दम पर 77 रन बनाए, तो वहीं उनका साथ निभा रहे मेदी हसन ने 83 गेंदों में इस पिच पर 100 रनों की पारी खेली और बांग्लादेश की टीम को 271 रनों तक पहुंचाया। जवाब में भारतीय टीम जब बल्लेबाजी के लिए उतरी तो भारत की तरफ से 272 रन बनाने के लिए विराट कोहली और शिखर धवन ने पारी की शुरुआत की थी। एक समय पर तो लग रहा था कि विराट कोहली कुछ कमाल करेंगे लेकिन वो 5 रन बनाकर ही आउट हो गए, तो वहीं शिखर धवन ने 8 रन की पारी खेली और ये दो बड़े झटके लग जाने के बाद श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने पारी को संभाल कर रखा, जहां इस बीच श्रेयस अय्यर ने 82 रन बनाए तो वहीं अक्षर पटेल ने 56 रनों की पारी खेली। हालांकि इस बीच वॉशिंगटन सुंदर, केएल राहुल, दीपक चहर और यहां तक कि मोहम्मद सिराज 2-4 रन बनाकर ही आउट हुए, जिसके चलते टीम इंडिया इस मुकाबले को गवा बैठी। लेकिन यहां पर बात करें अगर रोहित शर्मा की तो दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ स्लिप में फील्डिंग करने के दौरान अंगूठे में चोट आई थी, जिसके चलते वो शुरुआत में ओपनिंग करने के लिए नहीं आए, लेकिन जब टीम को उन्होंने हारता हुआ देखा तो वो मैदान पर उतरे, जहां उन्होंने 28 गेंदों में ही 3 चौके और 5 छक्कों की मदद से 51 रन जड़ डाले। हालांकि अगर रोहित शर्मा थोड़ी देर पहले आ जाते तो शायद टीम इंडिया इस स्कोर तक पहुंच जाती और मैच अपने नाम कर लेती। लेकिन खैर दोस्तों अब भारत की ये हार महेंद्र सिंह धोनी पर देखी नहीं गई और उन्होंने गुस्से में हार के वो 5 बड़े कारण बताए और अपनी भड़ास खूब भारतीय खिलाड़ियों पर निकाली, जहां महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि आखिरकार आप बांग्लादेश में कोई वनडे सीरीज खेलने गए या फिर कोई मजाक करने, क्योंकि रोहित शर्मा को आज मैच नहीं खेलना था, अगर रोहित शर्मा को अंतिम ओवरों में भी खेलने नहीं आना था तो वो ना आते, लेकिन ये क्या होता है कि जब आपको टीम को जिताना चाहिए था और 5वें या फिर 4थे नंबर पर उतरना चाहिए था तब तो आप आए नहीं और बाद में आकर आप बता रहे हैं कि आप तो बिल्कुल फिट हैं, तो रोहित शर्मा की कप्तानी मेरे पल्ले नहीं पड़ी। और मैं मानता हूँ कि भारत की हार के ये 5 बड़े कारण है जिस वजह से हम आज हारे हैं, जहाँ पहला कारण बताया रोहित शर्मा को, अगर रोहित शर्मा बल्लेबाजी के लिए फिट थे तो उनको 9वें नंबर की बजाय 5वें और 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरना था, अगर वो पहले आते तो शायद हम आज मैच जीत जाते। तो वहीं आगे धोनी ने अगला कारण बताया भारत की खराब बल्लेबाजी, जहां विराट कोहली को टीम से निकालने की उन्होंने मांग कर डाली, तो वहीं शिखर धवन को भी टीम से बाहर करने के लिए उन्होंने कहा और केएल राहुल जो कि कप्तानी कर रहे थे आज के पूरे मुकाबले में उनका भी प्रदर्शन अच्छा नहीं था, जहां वो भड़कते हुए नजर आए। तो वहीं आगे अगला कारण महेंद्र सिंह धोनी ने बताया कि भारत की खराब गेंदबाजी, आपने शुरुआती 6 विकेट बांग्लादेश की टीम के 69 रन पर ही ले लिए थे लेकिन उसके बाद आप 7वां विकेट लेने में पूरा दिन आपने निकाल दिया, जहां महमदुल्ला को आप आउट नहीं कर पाए, मोहम्मद सिराज ने खराब गेंदबाजी की, 2 विकेट लेकर 10 ओवर फेंक कर आप 73 रन देकर गेंदबाज से ये उम्मीद नहीं रख सकते, शार्दुल ठाकुर, उमरान मलिक और यहां तक कि वो अक्षर पटेल पे भी खूब भड़कते हुए नजर आए। तो वहीं आगे धोनी ने अगला कारण बताया टीम इंडिया का आत्मसमर्पण, भारत के जब 4 विकेट गिर गए थे तब उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और मुकाबले में वापसी करने की कोशिश ही नहीं की, अगर कोशिश की होती तो शायद ये मैच हम जीत जाते। तो दोस्तों यहाँ पर धोनी ने तो बढ़कर एक से बढ़कर एक कारण भारत की हार के बता डाले हैं। बाकी अब आप सभी क्या मानते हो, क्या महेंद्र सिंह धोनी ने जो कारण बताए हैं वो बिल्कुल सही है या फिर गलत, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।